पाइथन की सीरीज़ में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन कलेक्शंस। यानी नॉर्मली जैसे हमारे पास आम लैंग्वेज में एरेज होते हैं, तो पाइथन में भी अगर एरे हम बनाते हैं तो हमारे पास चार कलेक्शंस की डेटा टाइप्स हैं। यानी चार डिफरेंट तरीके हैं कलेक्शंस लेने के लिए, जिसमें नंबर वन पे है लिस्ट, कि हम लिस्ट की शक्ल में काम करना चाहते हैं। तो लिस्ट चार वैरायटी है हमारे पास, चार वे काम करने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस के हवाले से ये आज की क्लास, क्योंकि डेटा साइंस साइंस जो इसी पे जो है वो इसी से हम कंटिन्यू करेंगे। जब ये चीज़ हमारे एरे में हमें क्लियर हो जाएगा तो हम डेटा साइंस में हम डेटा कहीं से कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो है उसका विजुअलाइजेशन हो जाती है या उसके अंदर हम कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। तो आए डेटा आपके पास, चाहे वो लिस्ट की शक्ल में या टूपल की शक्ल में या सेट की शक्ल में या डिक्शनरी है या फिर आपकी एक्सेल की फाइल की शक्ल में, देन जो काम हम आज यहाँ पे करेंगे इससे मतलब है फिर वहीं पे आगे हमें डेटा फ्रेम भी हमने करना है। डेटा फ्रेम में भी यही काम होगा और फिर आगे फर्दर जो है एक्सेल की फाइल वगैरह उसको भी जब हम कन्वर्ट करेंगे या उसको में मॉडिफाई करना चाहेंगे या उसको ग्राफ की शक्ल में विजुअलाइजेशन का काम करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें डेटा साइंस का एक पार्ट होती है। तो इस हवाले से आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं कलेक्शंस पे काम करना चाहता हूँ तो मेरे पास चार तरीके होते हैं कलेक्शंस पे काम करने के लिए। नंबर वन, हम लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट में यह होता है लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर एंड चेंजेबल, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अलाउज डुप्लीकेट मेंबर्स, डुप्लीकेट भी अलाउ करता है आपको लिस्ट। टुपल, टुपल भी सेम यही है, इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर एंड अनचेंजेबल। यानी फर्क क्या है कि ऑर्डर के फॉर्म में तो आती है या तो सेम है लेकिन चेंजेबल नहीं है, अनचेंजेबल है। हम इसकी वैल्यू नीचे आगे फर्दर कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर वैल्यू चेंज करनी होती है तो हमें टुपल में जाके वहीं पे जाके उसकी वैल्यू चेंज करनी होती है। चेंज कर सकते हैं वैसे नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है वो डुप्लीकेट अलाउ, ये भी डुप्लीकेट अलाउ करता है आपके मेम्बर्स को। सेट, आपके पास एक और वैरायटी है, सेट इज़ अ कलेक्शन विच इज़ अनऑर्डर, यानी ऑर्डर लिस्ट में नहीं आएगा, अनऑर्डर लिस्ट में होगी। एंड अनइंडेक्स, एंड इंडेक्स भी उसके जो आउट होते हैं, और इसमें नो डुप्लीकेट मेंबर, इसमें डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउ नहीं होते। फिर इसी तरीके से डिक्शनरी है, डिक्शनरी भी सेम यही है, कलेक्शन विच इज़ अनऑर्डर एंड चेंजेबल एंड इंडेक्स नो डुप्लीकेट मेंबर, कि इसमें भी जो है वो आपके पास अनऑर्डर लिस्ट होती है और जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंजेबल का ऑप्शन भी मुझे, जैसे एक टुपल है जो कि हमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं देता, और लेकिन इसके अलावा बाकी हमें सब चेंज वैल्यू को चेंज करने का, यानी ऑर्डर उसके जो ऑब्जेक्ट्स है, जो वैल्यू है, जो डेटा है हमारे पास उसको चेंज करने का ऑप्शन बाकी इस तीनों हमें देते हैं, लेकिन सिर्फ टुपल जो है वो चेंज करने का ऑप्शन नहीं देता। और इसके अलावा कुछ इंडेक्सेस पे होते हैं, कुछ अनइंडेक्सेस पे होते हैं, कुछ ऑर्डर फॉर्म में होते हैं, कुछ अनऑर्डर फॉर्म में होते हैं, और कुछ डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउ करते हैं, कुछ डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउ नहीं करते। देन ये है कि हमारे पास जो है वो ये चार वैरायटी होती है पाइथन के अंदर जो है वो कलेक्शंस पे काम करने के लिए, जो नॉर्मली हम वैसे एरे कहते हैं और एरे भी कहते हैं, और इसके अलावा कलेक्शंस भी हमारे पास, जैसे शाम में कलेक्शंस की लाइब्रेरी है तो जो इसमें जेनरिक भी है और नॉन जेनरिक भी है, तो लेकिन पाइथन में हमारे पास ये चार वैरायटी होती है इस काम करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट, हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक नई न्यू फाइल ले लेते हैं हम लोग। अब जैसे कोई भी मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल लिया, हमने टी के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, और मैं लिस्ट बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और फिर इसके बाद हम अगर स्ट्रिंग में बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करते हैं। नुमेरिक होगी तो नुमेरिक वैल्यू असाइन करेंगे, तो उसको हम स्ट्रिंग में नहीं लिखेंगे। तो अगर मैं स्ट्रिंग वैल्यू देना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, एक और मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया, और इसी तरीके से मैंने एक और स्ट्रिंग पास कर दिया। अब ये तीन कलेक्शन, तीन वैल्यू मैंने पास कर दी इस लिस्ट के अंदर। अगर मैं सिंपल इसका प्रिंट कराना चाहता हूँ और मुझे कोई लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल यहाँ पे आके प्रिंट दे दूँगा और उसके आर्गुमेंट में हम टी पास कर देंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस लिस्ट का, तो मुझे तीनों का आउटपुट आ जाएगा हमारे पास। लेकिन आउटपुट जो आएगा वो एरे के फॉर्म में आएगा, क्योंकि बेसिकली वो पूरी लिस्ट का आउटपुट दे रहा है, उसके अंदर मुझे वैल्यूज़ का आउटपुट नहीं दे रहा। अगर वैल्यूज़ का आउटपुट सही होगा तो फिर हमें जो है वो लूप चलानी पड़ेगी, जो हम फर्दर आगे प्रैक्टिस में मैं आपको बताऊँगा। पहले तो हम इसमें देखते हैं कि अगर मैं इसको इंडेक्स वाइज उठाना चाहता हूँ, अब जैसे मैं मेरे पास यही डेटा है, मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ इंडेक्स में लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे, अब देखें जब इसने वैल्यू रखेगा तो जावेद को ये जीरो इंडेक्स पर रखेगा बाय डिफ़ॉल्ट, अवेस को ये वन इंडेक्स पर रखेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और असद को जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये सेकंड इंडेक्स पर रखेगा, क्योंकि ऐसी काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है। तो ये जीरो हो गया, ये वन इंडेक्स हो गया, और इसका इंडेक्स क्या हो गया, टू हो गया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जो है अवेस का प्रिंट लेना चाहता हूँ, तो इसका मतलब मैं आऊँगा वन पे, मैं टी वन पे का प्रिंट लूँगा,
और तो मुझे क्या होगा, ये यहाँ पे आके वन इंडेक्स हो, इसका मतलब है कि मुझे अवेज का प्रिंट दे देगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आके जीरो दे दूंगा तो जावेद का प्रिंट हो जाएगा, और अगर मैं सीधा टू दे दूंगा तो असद का प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर मुझे एक रेंज से मुझे चाहिए, मैं कुछ डेटा इसमें ऐड कर लेता हूँ मजीद। अब जैसे मैं एक डेटा और ले लेता हूँ, मैंने कहा अब्दुल्ला, एक मैंने और दे दिया, हमने कहा सलाउद्दीन वगैरह वगैरह। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सेकंड से लेके फोर्थ तक जो डेटा है वो आ जाए, यानी मैं इंडेक्स तो से मैंने दिया तो इंडेक्स आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ इंडेक्स में मुझे सेकंड इंडेक्स से लेके फोर्थ इंडेक्स आ जाए। तो सेकंड इंडेक्स आपकी ये असद बनती है और आपके पास फोर्थ पे आपका सलाउद्दीन आता है। तो अगर मैं यहाँ पे आके देता हूँ, मैंने कहा प्रिंट कर दो, और उसको मैं एक रेंज दे देता हूँ, मैंने कहा टी के अंदर मुझे सेकेंड से लेके फोर्थ तक का डेटा चाहिए, यानी सेकेंड इंडेक्स से लेके फोर्थ तक का डेटा चाहिए। तो हमारे पास जो है सेकेंड से थ्री फोर, सेकेंड से स्टार्ट होगा हमारे पास, तो सेकेंड में हमारे पास जीरो वन टू असद आ गया, और फोर पे वन जीरो वन टू थ्री फोर। अगर मैं इसको देता हूँ फर्स्ट से और फोर देता हूँ तो मुझे पास दो आ रहे हैं, तो इसके बाद ज़ीरो वन और फिर वन ज़ीरो वन टू थ्री फोर। तो ये हमारे पास, अगर मैं इसको रेंज दे रहा हूँ, मैंने कहा वन से लेके थ्री तक दे दे, या वन से अगर हम जो है वो टू देते हैं, ये आ रहा है। देखिए अब स्टार्टिंग ये इससे कर रहा है कि जैसे वन पे आ गया तो ज़ीरो वन ये आपका इंडेक्स हो गया, और इसके बाद जो है वो स्टार्ट करेगा तो सेकंड तक ये आ रहा है, तो सब मतलब ये अवेज ही का प्रिंट दे रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पर आके देता हूँ थ्री, तो ये आपके पास जो है अवेज असद का प्रिंट ला रहा है, बिल्कुल सही है। और अगर इसको मैं यहाँ पर देता हूँ फोर, तो ये फिर हमारे पास फिर इसमें इशू आ रहा है कि ये फिर अब्दुल्ला का प्रिंट क्यों नहीं ले रहा, जबकि ज़ीरो वन पे हमारे पास अवेस है, तो टू थ्री फोर। तो इसमें फिर वो क्यों ऐसे ले रहा, मैं इसको दोबारा से यहाँ से प्रिंट कराता हूँ। एक्चुअली वो ऊपर से डेटा उससे उठा नहीं रहा था। अब देखिए यहाँ से आगे इसे जीरो वन, तो इसका मतलब है इसने अवेज से स्टार्ट किया और नंबर ऑफ करेक्टर पर चला गया, तो जो फोर्थ पे जो था जीरो वन टू थ्री फोर, तो ये आपके फोर्थ पे आपके अब्दुल्ला आ गया, तो ये फोर्थ पोजीशन पे आएगा, यानी वन इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और फोर्थ नंबर तक जाएगा, फोर्थ नंबर पे आपके अब्दुल्ला है। अगर इसी तरीके से मैं इसको देता हूँ, अगर फाइव नंबर देता हूँ, इसको फाइव का नंबर दे देता हूँ, तो इसका मतलब है कि इस पर आ जाएगा सलाउद्दीन भी ले आएगा। और अगर मैं इसको स्टार्ट टू से करता हूँ तो फिर जाएगा सेकंड इंडेक्स है, और सेकंड इंडेक्स पे आपके पास जो है वह असद है, तो ज़ीरो वन टू सेकंड इंडेक्स हो गया, और पाँचवें नंबर तक। तो इसके बाद जो है कि ये टोटल ये तीन नंबर हो गए और ये पाँच, तो इस तरह से लेकर आएगा, यानी पहला वो लेगा इंडेक्स और उसके जो बात का है नंबर ऑफ आइटम पर जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ नंबर ऑफ आइटम फोर, तो इसका मतलब नंबर ऑफ आइटम फोर है, तो आपके पास तो स्टार्ट तो उसने किया ज़ीरो वन टू, तो असद से स्टार्ट करेगा, और फोर का मतलब है वन टू थ्री फोर, अब्दुल्ला तक आएगा, सलाउद्दीन का आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको। एक्चुअली जो है वो हमें तो बेसिकली उस कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना होता है, लॉजिक क्लियर करनी होती है कि कौन किसका कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो उसका बिहेवियर क्या है हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम चेंज करना चाहते हैं, हम वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, मैं यहीं पर आता हूँ, यहीं पर इसके वैल्यू को मैं चेंज करा देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और मैं यहीं पे इसको वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ टी के अंदर जो है उसके ज़ीरो वन टू, ज़ीरो वन टू थ्री, थ्री पे जो वैल्यू है उसकी जगह आप लिख दो, हमें थ्री की वैल्यू देते हैं, और उसकी जगह मैं कहता हूँ लिख दो अब्दुल। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब्दुल मैंने लिखा दिया, अब मैं इसका प्रिंट लेता हूँ, अगर मैंने कहा प्रिंट कर दो टी का प्रिंट कर दो, तो देखो हमारे पास क्या होगा कि अब्दुल्ला की जगह उसने क्या कर दिया, अब्दुल प्रिंट कर दिया। यानी कुछ भी नहीं करना, कोई चेंज का मेथड नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ इंडेक्स पास करना है, और इंडेक्स पास करने के बाद आपने जो वैल्यू असाइन कर दी, तो अब इसकी वैल्यू जो है वो क्या करेगा, अब उसको थर्ड तीसरे इंडेक्स पर जाएगा, तो ज़ीरो वन टू थ्री तीसरा इंडेक्स है, और तीसरे इंडेक्स पर आके जो तीसरा इंडेक्स है ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो बेसिकली चौथा है, लेकिन ज़ीरो वन टू थ्री, यानी ज़ीरो
1, 2, 3 ये तीसरा आपका इंडेक्स है, जो पोजीशन इसकी चौथी है, लेकिन चूंकि जीरो से काउंटिंग स्टार्ट होती है इसलिए तीसरा इंडेक्स है। हम इसको नंबर थ्री इंडेक्स है बेसिकली, चौथा चौथी वैल्यू है। तो ये अब आएगा तो नंबर थ्री इंडेक्स पे जीरो से काउंट करेगा तो अब्दुल्ला आ जाएगा। अब्दुल्ला की जगह क्या कर देगा, अब्दुल लिख देगा और हमें कोई चेंज का मेथड देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटली उसको जो है वो चेंज कर देगा। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं अब जैसे हमारे पास आउटपुट आ रहा है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आ रहा है ना, तो मुझे इस तरह का आउटपुट नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ मुझे जो है वो प्रॉपर तरीके से आउटपुट आए, तो फिर इस पर्पज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें लूप चलानी पड़ेगी। अगर मैंने वैल्यू चेंज भी की हुई है तो भी चेंज भी की, और अगर मैं इसका भी प्रिंट लेना चाहता हूँ साथ में लूप भी चलाना चाहता हूँ तो वो भी पॉसिबल है। तो लूप चलाने के लिए मैं पिछली जो है पहले ट्रेनिंग में बता चुका हूँ, लूप के ऊपर मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की थी, उसको देख लीजिएगा अगर लूप का सिंटैक्स आपको क्लियर ना हो। तो अब जैसे हमने यहाँ से एक वेरिएबल लिया, आज मैं आपको एक डिफरेंट तरीका बताता हूँ लूप का। हमने यहाँ पे आके इन कर दिया और इसके बाद डायरेक्टली आपने पास कर दिया टी, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आके कहा प्रिंट, और किसको प्रिंट कर दो एक्स का। अब जब मैं यहाँ पे रन करता हूँ देखो, अब जो आपके पास आउटपुट आ रहा है वो बेसिकली लिस्ट जो है वो लूप की शक्ल में वन बाय वन सारा डेटा को लेके आ रहा है, और उसके अंदर मौजूद वैल्यूज़ का आउटपुट आ रहा है, एरे का आउटपुट नहीं आ रहा उसके अंदर मौजूद वैल्यूज़ का। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर हमें वैल्यूज़ का आउटपुट चाहिए तो फिर हमें लूप चलानी पड़ेगी, अगर पूरे एरे का आउटपुट चाहिए तो हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, वो पूरे एरे का हमें जो है वो प्रिंट दे देगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इस एरे के अंदर कुछ हमने लिस्ट बनाई है, इससे अगर मैं कुछ चीज़ चेक करना चाहता हूँ, देखिए मैं आपको पहले भी समझाया था कि हम सब डेटा साइंस के हवाले से मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ कि छोटे छोटे डेटा के ऊपर जब हम काम करेंगे तो उसके बाद जब कोई बड़ी फाइल हमारे पास आती है एक्सेल की फॉर्म में अगर कोई फाइल आ जाती है तो फिर हम उसको कैसे चेक करेंगे, हम उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, उसको हम कैसे उस पर काम करेंगे। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिस है जो आप यहाँ पे करेंगे, लेकिन जब आपके पास ह्यूज डेटा आ जाता है, आपके पास जब बिग डेटा है, आपके बहुत बड़ी साइज़ का डेटा मौजूद है, तो देन आपके लिए जो है वो काम करना मुश्किल होगा। तो यह छोटी छोटी चीज़ों में प्रैक्टिस करेंगे तो फिर यही मेथड वहाँ पे इस्तेमाल होंगे। अगर मैं यहाँ पे आगे चेक करना चाहता हूँ, जैसे मैं अगर इसमें देखना चाहता हूँ कि क्या इसमें किसी भी नाम को मैं चेक करूँगा कि आया वो मौजूद है, तो फिर उसका तरीका क्या होता है हमारे पास, मैं अगर ढूंढना चाहता हूँ जैसे यहीं पर आ जाते हैं और मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, फिर इसके बाद यहीं पर काम कर लेते हैं। अब मैं कहता हूँ इफ़, अब इसके बाद आपने यहाँ पे स्ट्रिंग में जिसको चेक करना है आपने उसका नाम दिया, जैसे मैं कहता हूँ असद, और फिर मैं इसको चेक करने के लिए क्या मेथड है इन, इनके बाद फिर आप क्या करोगे अपनी जो है वो जो जो लिस्ट है उसका ऑब्जेक्ट पास कर दोगे टी, कि अगर टी के अंदर क्या असद टी में है, अगर है तो इसका मतलब है आप वो प्रिंट कर देगा। प्रिंट कर दिया हमने कहा यस, और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे जो अच्छा से सेंटेंस बदलते हैं और हमने कहा यस इज़ हेयर, ठीक है जी। अब जब मैं यहाँ पे आगे रन करता हूँ तो हमारे पास देखा आउटपुट क्या आ रहा है, यस ही इज़ हेयर। जब मैंने इसको प्रिंट के अंदर ही दे दिया, हम इसको प्रिंट से बाहर कर देते हैं, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आगे रन करता हूँ और मैंने कहा इफ़ असद, सॉरी ये सॉरी आएगा और ये आपके पास जो है इसका पार्ट होगा, ठीक है ना। अब क्या आ रहा है हमारे पास, यस ही इज़ हेयर, मतलब इसने यहाँ पे सर्च किया असद को और असद इसको इस कलेक्शन में मिल गया, जब इस कलेक्शन में उसको मिल गया लिस्ट कलेक्शन में मिला तो उसने कहा यस इज़ हेयर, ये मौजूद है। और अगर मैं यहाँ पे आकर अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ असद वन कर देता हूँ, इसका मतलब असद वन तो मौजूद नहीं है, तो मतलब मुझे कोई भी प्रिंट नहीं आएगा, तो मौजूद नहीं है, उसके लिए हम फिर एल्स लगा लेंगे। तो मतलब हम किसी भी चीज़ को चेक करना चाहते हैं, किसी भी डेटा में से मैं हम कुछ भी चेक करना चाहते हैं तो देन फिर हम इफ की कंडीशन लगा सकते हैं और इस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास इसके बाद मज़ीद इसके अंदर वैरायटी है हमारे पास कि अगर मैं इसकी लेंथ चेक करना चाहता हूँ कि कितनी लेंथ है इसकी, तो कैसे उसके लिए करते हैं। अब लेंथ चेक करने के लिए हमारे पास जो है वो जैसे डेटा पूरा मौजूद है तो मैं सिंपल प्रिंट ही करवा लेते हैं, हमने कहा प्रिंट कर दो, और एल ई एन का फंक्शन होता है और इसके आर्गूमेंट पर आके हम अपने कलेक्शंस का यानी लिस्ट कलेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर देंगे टी को, ये डायरेक्टली इसकी लेंथ ले आएगा, और जब मेरे पास आउटपुट आएगा तो हमारे पास जो लेंथ होगी सॉरी हमने कहा प्रिंट एलियन और लेकिन अच्छा सॉरी एलियन मेथड है और मेथड के अंदर हमें जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट देनी पड़ेगी क्योंकि मेथड है एलियन और उसके अंदर हमें उसका ऑब्जेक्ट पास करना है। तो आप ये ऐसे करोगे कि एलियन मेथड के आर्गूमेंट पे आके आपने एज ए पैरामीटर हम अपना पास करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट पास करेंगे, तो वो क्या करेगा उसकी लेंथ चेक कर देगा, और जब लेंथ चेक करेगा तो मुझे कहता है नंबर ऑफ फाइव कैरेक्टर है, फाइव आपके पास जो है वो उसके अंदर डेटा मौजूद है, ठीक है जी, इस लिस्ट के अंदर।
फिर अगर मैं अपेंड करना चाहते हैं, हमारे पास डेटा मौजूद है, हम उसमें कोई भी चीज़ अपेंड करना चाहते हैं, तो फिर अपेंड करने के लिए जो हमारे पास तरीका होता है वो अपेंड का मेथड होता है। हम इसको भी यहीं पे मैं कर लेता हूँ, जब काफ़ी ज़्यादा हो गया तो मैं इस डेटा को यहाँ से उठा लेता हूँ और फिर मैं इसमें अपेंड करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा टी डॉट अपेंड और अपेंड कर दो। क्या अपेंड कर दो इसके अंदर? अब जैसे मुझे डेटा में दीजिए मौजूद है, अब मुझे आगे ऊपर जाके उसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ती है, तो हम चेंज करना चाहते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, तो फिर अपेंड का मेथड होता है कि उसमें हम कोई चीज़ अपेंड कर देंगे तो उसको अपेंड कर देगा, उसके अंदर शामिल कर देगा उस चीज़ को। और मैंने यहाँ पर कुछ भी दे दिया, हमने कहा चले सलीम। अब जब मैं यहाँ पर आके अपेंड करने के बाद, अब मैं जब इसका प्रिंट लेता हूँ तो इसका मतलब सलीम इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा, अपेंड हो गया, सलीम का डेटा आपके पास ऑटोमेटिकली इसके अंदर अपेंड हो गया। ठीक है जी, अपेंड का मेथड इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ, अब अपेंड हुआ तो देखिए इसने क्या किया कि सलीम को जो है सबसे आखिर में, लास्ट में अपेंड किया। अब मैं इसको बीच में किसी जगह पे रखना चाहता हूँ, मैं चाहता इंसर्ट भी करना है यानी अपेंड करना है, लेकिन उसको किसी भी लोकेशन पे उसकी मैं इंडेक्स देना चाहता हूँ कि उस इंडेक्स के ऊपर जाके वो अपेंड हो यानी हो, तो इसके लिए फिर हमारे पास इंसर्ट का मेथड होता है। तो इंसर्ट करते हैं तो फिर हमारे पास से वो इंडेक्स पूछता है कि किस इंडेक्स पर करना चाहते हो, क्या ऐड करना चाहते हो, तो इसलिए होता है। तो फिर मैं यहाँ पर आके मैंने कहा टी डॉट इंसर्ट, इंसर्ट का मेथड है, सबसे पहले हम पास करेंगे इंडेक्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं 0, 1, 2, 3 इंडेक्स पे कुछ चीज़ पास करना चाहता हूँ, यानी असद के बाद 3 इंडेक्स पे देना चाहता हूँ, तो मैंने 3 पास कर दिया, इसके बाद मैंने कोई भी नाम पास कर दिया। हमने कहा एक मिसाल है, हमने कहा अर्श। अब जब मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ तो इसका मतलब है अब हो गया, तो अर्श इसका क्या हो गया, देखिए यहाँ पर आके 3 इंडेक्स पे यानी 0, 1, 2, 3 इंडेक्स पे इसने क्या किया, 3rd नंबर पे इसने क्या किया, यहाँ पे आके अर्श को पास कर दिया। ठीक है जी, हमने इसको नंबर 3 दिया तो 0 से काउंटिंग हुई, तो इसके नंबर 3 पे आपकी जो पोजीशन थी वो पे अर्श उसने इंसर्ट कर दिया, जबकि अपेंड ने सबसे लास्ट में अपेंड किया था। तो ये भी हमारा तरीका है, डेटा हमारे पास कोई भी होगा तो डेटा कहीं से भी आया होगा, चाहे वो एक्सेल की फॉर्म में, चाहे एरे की फॉर्म में, तो या डेटाबेस की शिकल में आप मौजूद है। देखिए नॉर्मली तो हम डेटा साइंस में काम करते हैं, तो हम एक्सेल वगैरह पे काम करते हैं, तो फिर यही मेथड्स होते हैं जिसके अगेंस्ट में हम जो है वो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं मेथड से हमें काम करना पड़ता है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए अब मैंने यहाँ पर रिमूव करने के लिए हमने टी का ऑब्जेक्ट लिया और डायरेक्ट मैंने कहा रिमूव कर दो। क्या रिमूव कर दो? तो डायरेक्ट मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ कि इसमें से, इस डेटा में से आप मुझे सलाउद्दीन का डेटा रिमूव कर दो। तो हमने यहाँ पे सलाउद्दीन यहाँ पर लिखा और जब मैं यहाँ पे आकर सलाउद्दीन का रिमूव कर देता हूँ, तो अब जब मैं आता हूँ तो सलाउद्दीन आपका डेटा यहाँ से रिमूव हो चुका है, जा चुका है। इसी तरीके से पॉप का मेथड भी ये करता है, वो भी रिमूव करता है लेकिन वो इंडेक्स वाइज करता है। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यानी पॉप का मेथड बेसिकली क्या करता है, स्पेसिफिक किसी इंडेक्स पे आके इसको उड़ाता है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे आके पॉप का मेथड मैं यूज़ करता हूँ इसी के साथ में, तो हमें कुछ यहाँ देने की ज़रूरत ही पड़ती है, वो लास्ट इंडेक्स को उड़ा देता है, लास्ट और इंडेक्स को रिमूव कर देगा। तो हमने कहा टी डॉट पॉप का मेथड है और आपने कुछ भी नहीं करना। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो आखिरी लास्ट जो था वो हमारे पास डेटा वो जो है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है जी, इसी तरीके से हमारे पास डिलीट का मेथड होता है, वो भी रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिलीट के मेथड के अंदर अब जो है वो हम इंडेक्स बताते हैं, इंडेक्स के जरिए से इसको रिमूव करते हैं। तो उसको मैं पहले तो कमेंट कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मैं जो है वो डिलीट का मेथड यूज़ करना चाहता हूँ, तो हमने कहा टी, फिर इसके बाद डायरेक्टली हम टी ऑब्जेक्ट, तो हमने डिलीट का फंक्शन देते हैं और उसके बाद हमने अपना ऑब्जेक्ट दे दिया टी, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे इंडेक्स देते हैं कि इसमें से कौन सा डेटा आपको रिमूव करना है। अब मैं चाहता हूँ इसमें मुझे डेटा रिमूव करना है वो है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से अब्दुल्ला का रिकॉर्ड डेटा रिमूव करना है, तो अब्दुल्ला किस पोजीशन में मौजूद है? तो अगर मैं देखता हूँ तो फिल वक्त हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो ये आ रहा है, यानी डेटा तो यहाँ से चेंज हो चुका है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें अपेंड किया है और इंसर्ट किया है। तो अब्दुल्ला मेरे पास है 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स पे है, तो मैं यहाँ पे 4 इंडेक्स पे अब्दुल्ला को देता हूँ, उससे जो आप आता हूँ, तो फिर देखें यहाँ से जब मैंने प्रिंट किया तो अब्दुल्ला यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है जी, तो बेसिक डेटा तो हमारे पास ये था, तो 0 जहाँ पे 4 इंडेक्स पे अब्दुल्ला जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है जी, इसी तरीके से हमारे पास अगर मैं यहाँ पे आकर डिलीट कर देता हूँ, और मैं डिलीट करने के बाद अगर मैं उसको कोई इंडेक्स नहीं देता
तो सिंपल सी बात है, हम प्रोग्रामिंग में भी जब डिलीट की क्यूरी लगाते हैं और अगर हम वेयर का क्लाउज यूज़ नहीं करते तो क्या होता है, तमाम डेटा को रिमूव कर देता है। तो ऐसे यहाँ भी वही काम होगा, अगर मैं डिलीट कर देता हूँ और इसके साथ मैंने दे दिया टी को, उससे मतलब सारा डेटा रिमूव हो गया। और हमने यहाँ पे डिलीट का मेथड लगाया और उसके बाद हमने सॉरी ये तो हमने पहले उसको कमेंट कर देते हैं, अब मैं डिलीट टी कर देता हूँ। टी डिफाइन नहीं है कह रहा है, डिलीट सिंपल टी देना है हमें इसके अंदर। इसको नीचे लेके आता हूँ, स्टेटस को भी देख लेते हैं कि क्या इश्यू आ रहा है इसके अंदर, मे भी हो सकता है उस नहीं तो फिर एक और बेहतर भी हमारे पास होता है क्लियर का, हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए, वो ज़्यादा आसान तरीका होता है, मैं देखता हूँ, नहीं तो उस पर करेंगे। हमने कहा डिलीट और हमने कह दिया टी। अब देखिए जब आ जाता हूँ तो अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, मैंने कहा प्रिंट टी का प्रिंट कर दो, तो मेरे पास देखे यहाँ पे अब टी चौके हाँ सही है, बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि मैं तो टी को डिलीट कर चुका हूँ ना, जब टी आपका डिलीट हो गया है तो फिर मैं प्रिंट कैसे कर सकता हूँ, टी तो मौजूद ही नहीं हो गया, टी तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि टी तो डिलीट हो चुका है, तो इसने तो सबको ही डिलीट कर दिया है। अब जब मैं इसका प्रिंट लेता हूँ टी का, तो बिल्कुल सही, इसने एरर इस पर नहीं दे रहा, ये तो उसने बिल्कुल सही काम किया, लेकिन जब मैंने इसको प्रिंट करवाया टी को, तो वो ये कहता है कि टी का तो वजूद ही नहीं है, टी तो डिलीट हो चुका है, रिमूव हो चुका है। लेकिन अगर मैं डेटा को रिमूव करना चाहता हूँ, यहाँ देखिएगा अगर मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, तो ये तो उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट को ही रिमूव कर दिया, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसके अंदर मौजूद डेटा को रिमूव करना चाहते हैं, तो फिर क्लियर का मेथड होता है। कैसे होता है, अब हमने कहा टी डॉट क्लियर, अब क्लियर का मेथड लगाता हूँ, अब मैं यहाँ पे आके कहता हूँ प्रिंट कर दो और टी को, तो इसका मतलब अब डेटा इसमें रिमूव करेगा, जब मेरे पास प्रिंट होगा तो ये देखें इसने एरर नहीं दिया, बल्कि उसने कहा कुछ भी नहीं है, सब कुछ जा चुका है, सब कुछ रिमूव हो गया है। तो इस तरीके से जो है वो क्लियर का मेथड आ गया हमारे पास। अच्छा, फिर इसके अंदर हम मजीद वैरायटी की तरफ आते हैं, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस के हवाले से, कि अगर मेरे पास दो अलग अलग जगह से दो अलग अलग लिस्ट में डेटा मौजूद है और उसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, तो फिर देन कैसे काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आके मैं एक डेटा बना लेता हूँ, मैंने कहा एक्स के नाम से, और उसको मैंने पास कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा हमने दे दिया एक्स वाई और फिर मैं इसके अंदर जेड दे देता हूँ, ठीक है जी। फिर एक और मैं डेटा ले लेता हूँ वाई के नाम से, और इसको मैं नुमेरिक देता हूँ, मैंने कहा वन टू और थ्री, मैंने तीन इसको डेटा दे दिया। अब मैं दोनों डेटा को आपस में ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत आसान है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिंपल अपेंड करने के लिए प्लस का साइन। तो मैंने एक और वेरिएबल लिया जेड के नाम से, और मैंने क्या कर दिया, हमने कहा एक्स में वाई को प्लस कर दिया, तो मतलब अब जो है वो जेड में दोनों प्लस हो गया। अब मैं जेड का प्रिंट ले लेता हूँ, हमने कहा प्रिंट कर दो जेड को, तो अब जब मैं आता हूँ तो दोनों को इसने प्लस करके इसको और इसको आपस में अपेंड कर दिया। तो कोई कहानी या कोई मेथड किसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन बहुत आसान है काम करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल प्लस का साइन था जिसने अपेंड कर दिया, तो इसने मर्ज जस्ट लाइक मर्ज किया, जैसे हम नॉर्मली पीएचपी में मर्ज करते हैं, हम सी शार्प में मर्ज करते हैं, जैक्ड एरे वगैरह अगर हम इसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो है प्लस का साइन वही अपेंड कर रहा है, और सिंपल तरीके से उसने दोनों एरे को अपेंड कर दिया। यानी इतना आपके पास फ्लेक्सिबल है पाइथन में काम करना, कि इतना आसान होता है काम करना। अच्छी तरह अगर मैं इन दोनों में से आपका प्रिंट देखा, अब इसमें मैं जैसे मैंने प्रिंट लिया, मैं लूप चलाना चाहता हूँ, तो हम लूप चला लेते हैं। हमने कहा फॉर ए, हमने एक वेरिएबल ले लिया, और इन मैंने यहाँ पे दे दिया जेड को, कि मैं जेड में डेटा मौजूद है उसका जो है वो ए में पास कर दिया। फिर मैंने कहा जो है वो कुछ अपेंड भी करना चाहते हैं, हमने जैसे पहले प्लस किया था, अभी दोनों डेटा मेरे पास मौजूद है, मैंने यहाँ पे आके अच्छा ये भी हम कर सकते हैं, फिर मैं इसको देता हूँ, मैंने कहा प्रिंट, हमने कहा प्रिंट कर दो ए को प्रिंट कर दो। अब जब मैं यहाँ पे आउटपुट देता हूँ, तो इसने देखा क्या कर दिया, एक्स वाई जेड और वन टू थ्री को मुझे इसने यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर दिया, एक तो ही तरीका। फिर अगर मैं चाहता हूँ, मैंने प्लस किया, मैं इसकी जगह अपेंड लगाना चाहता हूँ, तो वो अपेंड भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे दोबारा जाते हैं, और मैंने कहा या इसी मेथड में काम कर देते हैं, और मैंने यहाँ पे जैसे एक वेरिएबल लिया ए के नाम से लिया, तो बजाय मैं यहाँ पे आके जेड लेता हूँ, मैं जेड की जगह इसको दे देता हूँ वाई,
ठीक है, हमने इसको बाय दे दिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर आके मैंने जो जेड लिया था उसमें अपेंड कर देता हूँ। हमने अपेंड कर देते हैं किसको, एक्स को, यानी जेड में, बल्कि जेड नहीं सॉरी वाई। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके, हमने एक्स और वाई दो लिए। अब मैंने यहाँ पे आके ए के नाम से एक वेरिएबल लिया और यहाँ मैंने इसको दे दिया वाई, यानी से यहाँ से लूप चलाएगा यानी। और फिर इसके बाद यहाँ पर आके अगर मेरे पास जो दूसरा जो डेटा था, बल्कि पहला ही डेटा था मेरे पास था एक्स, और एक्स में मैं अपेंड कर देता हूँ वाई को। यानी कुछ करने के बाद मैं इसी बस आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। और फिर जब मैं आगे प्रिंट कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे प्रिंट ले लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्स का प्रिंट ले लेता हूँ, ठीक है जी। मैं लूप का नहीं ले रहा हूँ बल्कि एक्स का प्रिंट लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर आके, तो अब देखिए यहाँ पे से क्या किया, यही डेटा उठाया, फिर उसने इसको अपेंड कर दिया, फिर डेटा उठाया इसको अपेंड किया, फिर डेटा उठाया अपेंड कर दिया। तो जो हमारे पास जो दो अलग अलग जगह से दो लिस्ट के शक्ल में डेटा आ रहा था, उसने उसको जो है वो वन बाय वन लूप चलाया, लूप चला के उसने अपेंड किया, फिर लूप चलाई पहले वाले को, फिर लूप चलाई। तो जस्ट लाइक आपको वैसे काम करते जैसे नॉर्मली हम जो है वो दो से ज़्यादा डेटा को आपस में मिलाना चाहते हो, तो इस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पर आसानी से इसको मिला सकते हैं। इसी तरीके से एक्सटेंड का मेथड भी हमारे पास मौजूद है। मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो मैं आई थिंक मैं इसको जो है वो कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ में आए, ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे मेरे पास एक्स और वाई दो डेटा मौजूद था ना, एक्स भी था वाई भी था, ठीक है जी। अब मैं दोनों को जो है वो एक्सटेंड करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ एक्स के अंदर एक्स एक्सटेंड हो जाए वाई के लिए। अब जैसे मैंने कहा एक्स डॉट एक्सटेंड और क्या एक्सटेंड हो जाए वाई, एक्स में वाई एक्सटेंड में करना चाहता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त इसका आउटपुट है इस तरीके से कि हमारे पास जो एक्स का डेटा है, अब मैं इसके बाद अगर यहाँ पे प्रिंट लेता हूँ एक्स का और मैं एक्स का प्रिंट लेता हूँ, तो एक्स में वाई एक्सटेंड हो गया। तो जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है वो देखो डायरेक्टली मैं एक्स का प्रिंट ले रहा हूँ, मैं इन दोनों को ना अपेंड कर रहा हूँ ना इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको मैं इसके एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो ये डेटा सारा इसके अंदर एक्सटेंड होकर इसमें शामिल हो गया और मैं जब एक्स का प्रिंट ले रहा हूँ तो मुझे जो डेटा आ रहा है वो दोनों का डेटा आपके पास आ रहा है, ठीक है जी। क्लियर है इसमें, क्योंकि एक्स के अंदर वाई एक्सटेंड हो चुका है तो यहाँ पे एक्सटेंड के मेथड से एक्सटेंड हो गया। अगर मैं वाई का प्रिंट लूँगा तो 1 2 3 आएगा, लेकिन एक्स का प्रिंट जब हमने सिर्फ एक्स का प्रिंट लिया तो एक्स और वाई में वाई एक्सटेंड हो चुका है, तो एक्स बेसिकली एक्स वाई जेड ही रहा, बल्कि एक्स वाई जेड 1 2 3 बन गया, ठीक है जी। अच्छा, तो ये सारी हमारे प्रैक्टिस है और थोड़ी मैंने प्रैक्टिस की है, बाकी जो है इन्हीं मेथड्स को आपको थोड़ा बड़ा डेटा बना के अच्छी प्रैक्टिस से इस पर काम करें। तो फिर इसके बाद जो है मैं टूपल पे और फिर हमारे डिक्शनरी और जो बाकी हमारे पास कलेक्शंस की जो है वैरायटी है पाइथन में, उनको वन बाय वन मैं सब पे जो है रिकॉर्डिंग करूँगा। तो आप इसकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करें और इसमें मुझे कमेंट करें। मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन भी साथ साथ आती रहे। मुझे जब मौका मिलता है मैं एक आध वीडियो बनाता हूँ, मैं मेरा काम सिर्फ ये नहीं है, मैं और बहुत सारे काम है, लेकिन जब मुझे मौका मिलता है तो मैं एक आध वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर देता हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप उसको जो है वो अपने आप को अपडेट रखें। तो इसमें कोई कमेंट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आया, कोई इसके अंदर मज़ीद आप जो है वो कुछ प्रैक्टिस चाहते हो तो वो मुझसे कमेंट्स में लिखे हैं, मैं इंशा अल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल आपकी जो है वो जो भी आपकी जो फरमाइश होगी उसको पूरा करूँगा। और मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने आप को अपडेट करें। तो फिर इंशा अल्लाह नेक्स्ट जो है वो ट्यूपल पर हम इसको देखते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।